कस्बा सलोन के विभिन्न मोहल्लों में दूषित पानी पीने से फैली डायरिया की बीमारी की हकीकत जानने सीएमओ वीरेंद्र सिंह ने सीएचसी पहुंचकर मरीजों के हालचाल पूछा और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं देने के डॉक्टरों को निर्देश दिए। कस्बा सलोन में दो दिन पूर्व दूषित पानी पीने से नगर के कच्ची मस्जिद पैगम्बरपुर पूर्वी मियाँ साहब का फाटक गोरई मोहल्ला के छोटे बड़े व वृद्ध सैकड़ों लोग डायरिया की चपेट में आने से उन्हें उल्टी दस्त शुरू हो गए और जिन्हें आनंद फानंद में कस्बा सलोन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सीएचसी सलोन में तैनात डॉक्टर रुपेश जायसवाल ने कस्बा में फैली डायरिया को गंदगी व दूषित पानी की वजह से फैलना बताया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों के ठीक होने के कारण उन्हें छुट्टी दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर पीके बैसवाल, डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर रुपेश जायसवाल, डॉक्टर अमित सचान, बद्री प्रसाद और जो छोटा डॉक्टर अशोक कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के अनेक डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, हमने मोहल्लों का भी भ्रमण किया है, अस्पताल का भी भ्रमण किया है। जो देखने में लग रहा है कहीं न कहीं से पानी से कहीं ये इन्फेक्शन मिला है। जी जी, आज जो एडमिट मरीज हैं दो दिन पहले से, उनकी स्थिति क्या है? बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है? नहीं, मैंने सारे मरीजों को देखा भी है और सबकी स्थिति में सुधार है और काफ़ी तो ठीक होकर जा भी चुके हैं और जो नए केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई। कोई मरीज रेफर की स्थिति में तो नहीं है? ना तो कोई मरीज रेफर हुआ है और ना ही किसी मरीज की मृत्यु हुई है। यहाँ के डॉक्टरों ने क्या दिशा निर्देश है? यहाँ के डॉक्टरों को निर्देश है कि जो भी मरीज आए उनको अपने बेस्ट पूरी क्षमता के साथ उनका इलाज करें और केवल यही नहीं बल्कि इस बात का निगरानी में रखें अपने कि किसी भी मोहल्ले में या किसी भी आसपास के गांव में वहां भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तो इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करें। डायरिया मरीज के परिवारजनों के लिए आपका क्या संदेश है? कटे पटे फल का प्रयोग ना करें, बासी खाना नहीं खाएं, पानी को बेहतर है कि अभी तो उबाल के ही पिए, वही अच्छा है। थैंक यू सर।